हे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हेयर कोर्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें कोई डेमो या थ्योरी नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा पहले कि आपको कौन कौन से टूल्स लेने हैं, कौन सी आपको इक्विपमेंट्स लेनी है एंड कौन सी चीज़ें आपको अभी नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है वाइट टूथ कॉम। ये कॉम हम यूज़ करते हैं क्लाइंट पे जब हमें उनके बालों को डिटेंगल फ्री करना होता है। ये किसी भी तरह का बालों को डैमेज नहीं करती है। देन हमारे पास है टेल कॉम। टेल कॉम जैसे कि हमने आइंग करनी हो, टोंग करना हो या ऐसी कोई और थर्मल स्टाइलिंग की सर्विस है तो उसमें हम टेल कॉम यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास टेल पिन कॉम। ये टेल कॉम जैसी ही दिखाई देती है बट इसमें स्टील की पिन लगी होती है जो कि हमें कलरिंग में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा फाइन सेक्शन लेने में, वीविंग करने में एंड कोई भी और कलरिंग टेक्निक में। देन इसके बाद है हमारे पास ऑल पर्पस कटिंग कॉम। ये अगर हमारे पास कोई भी कॉम नहीं है तो हम इसी से सारा काम चला सकते हैं। तो ये बेसिकली कटिंग में काम आती है। देन इसके बाद है हमारे पास बैक कॉम। बैक कॉम हेयर डूज में यूज़ होती है या फिर रेयरली यूज़ होती है हेयर कलरिंग की किसी टेक्निक में। देन हमारे पास है बार्बर कॉम। ये उनके लिए है जिन्होंने जेंट्स का काम करना है। ये सीजर ओवर कॉम टेक्निक में यूज़ की जाती है। आगे बात करेंगे हम हेयर सीजर्स की। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की सीजर आती है। पहली है कटिंग सीजर एंड दूसरी है थिनिंग सीजर। कटिंग सीजर तो बेसिक से लेके कोई भी एडवांस कट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो थिनिंग सीजर है वो बालों को बीच से थिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद आ गया हमारे पास जी सेक्शन क्लिप्स, जो एक प्लेन वाले हैं एंड दूसरे क्रोकोडाइल शेप के हैं। तो आप इन दोनों के 4-4 पीस परचेज कर सकते हो। देन इसके बाद है जी स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल बालों को वेट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन आगे हमारे पास आगे ब्रशेस। सबसे पहले है पेडल ब्रश। ये आप किसी मीडियम साइज़ का पेडल ब्रश परचेज कर सकते हो। देन आगे है जी राउंड ब्रशेस। राउंड ब्रशेस बेसिकली 4-5 शेप में आते हैं। जो आपको एक पूरा सेट ले लेना है एंड इनमें से कोई भी ब्रश आपको किसी लोकल ब्रांड का नहीं लेना है। वो आपके नहीं चलेंगे, जब हीट अप्लाई होगी उन पे तो वो जल जाते हैं। तो आप इन्हें किसी अच्छे ब्रांड का ही लेना, जैसे कि आइकॉनिक के या वॉल के, एक अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे। इनका आपको पूरा कंप्लीट सेट ही मिल जाएगा। तो इसके बाद है हमारे पास हेयर ड्रायर। जो हेयर ड्रायर है वो आपने कम से कम 2500 वॉट की परचेज करनी है। अगर इससे कम आप लेते हो तो उसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। कोई भी सर्विस करोगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये चेक करना है कि हेयर ड्रायर के साथ आपको नोज़ल्स मिल रही हैं। ये नोज़ल्स का बहुत ज़्यादा काम है। आप नोज़ल्स के बिना आप स्ट्रेट ड्रायर, आउट कर्ल्स या कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप चेक करना कि इसके साथ नोज़ल्स है। एंड इसके बाद आ गई जी हमारे पास हेयर आयन, जहाँ इसे हम हेयर स्ट्रेटनर भी बोलते हैं। ये भी आपको किसी लोकल कंपनी का नहीं लेना है। आपने पहले ये चेक करना है कि जो हेयर आयन है उसकी जो प्लेट्स हैं वो सेरामिक कोटेड होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बालों में बहुत अच्छी शाइन ऐड होती है एंड वो बालों को डैमेज नहीं करती। तो आप इसे भी आइकॉनिक का या वॉल का परचेज कर सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग रेंज 2000 से लेके 3000 के बीच में अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं जो आपको अभी स्टार्टिंग में परचेज नहीं करने हैं, आपका उनके बिना भी काम चल जाएगा। उसमें है जी टोंग रॉड, वेवर एंड हॉट रोलर्स। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो अभी स्टार्टिंग में आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप काम सीख गए, आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया तो तब जाके आप उन्हें परचेज कर सकते हो। इसके बाद है हेयर क्लिपर एंड ट्रिमर। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने जेंट्स का काम करना है एंड जिन्होंने लेडीज़ का काम करना है उन्हें
क्लिपर या ट्रिमर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये सब सामान आप ऑनलाइन या किसी लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। एंड ऑनलाइन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। एंड आप फिर भी चेक करना कि किसके फीडबैक अच्छे हैं एंड प्राइस सही है, तो ही आप ऑनलाइन परचेज करना। तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं आज का टॉपिक। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।